नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अयोध्या में। अयोध्या में हम उस जगह पे हैं जहाँ पर यज्ञशालाएं हैं और यहीं पे यज्ञ खूब बढ़िया से चल रहा है। ये देखिए, काफ़ी भव्य यज्ञशाला। हमारे टीम की सदस्य दो लोग हैं, रागिनी विश्वकर्मा, आंचल विश्वकर्मा, चंदा जी, सभी लोग आए हुए हैं साथ में। और यहाँ पे हैं चिरंजीव महाराज। तो देखते हैं, आइए। कितना बढ़िया, ये देखिए, ये सब यज्ञशाला के लिए बना हुआ था। योग चिम वहाँ में हम श्री राम भद्राचार्य जी का यहाँ पर लाइव होता है। और दोस्तों, यह देखिए भव्य बना हुआ है गेट, और राम भद्राचार्य जी का तस्वीर लगा हुआ है। और यहीं से एंट्री होती है, यहीं पे कथा, बहुत सारी कुछ सुंदर चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। यहाँ पूरी आर्मी की छावनी जैसे है। और यहाँ पे रथ बना हुआ है, भगवान राम लला जी हैं। और इधर से एंट्री तो इस फिलहाल अभी बंद है, तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता दूसरा अपनाते हैं, चोरी छुपे वाला। चलिए, ये देखिए भव्य है पूरा। राम जन्मभूमि, तो आपको दिखाने जा रहे हैं एक भव्य चीज। यह है यज्ञ मंडप, जो आप लोगों ने देखा होगा। जय जय राम। यह देखिए सब पूरा बहुत ही लाइव आ गया, लाइव। ये देखिए सब पंडाल बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और यह देखिए यज्ञ मंडप, यहीं पे यज्ञ हवन हुआ था सब। ये देखिए सब कितना बढ़िया सुंदर भव्य बना हुआ है। और यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम जो हुआ है, ये देखिए सब जगह पे यज्ञ यज्ञ ही अद्भुत है। कितना बढ़िया बना हुआ है यज्ञशाला, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, ये है यज्ञशाला है, आप देखिए बहुत ही अच्छा है। यज्ञ हो चुका है और भव्य है। तो इस प्रकार से, लेकिन अब क्या, तो बना हुआ था लेकिन अब बिगाड़ना भी चालू हो गया है ऐसा लग रहा है। सारी चीजें कोशिश करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, यदि जाने को मिल गया तो बहुत अच्छा। देखिए कितना, ये सारे बर्तन हैं जो यज्ञशाला में प्रयोग में आए हुए हैं। ये सारी चीजें देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, एकदम सुंदर। अब सब
उखट रहे हैं। ये सारे चीज कुछ के बने हुए हैं, ये देख लीजिए, अब तो बिगड़ रहे हैं, लेकिन कितना बढ़िया बना हुआ था। और भाई साहब अब बिगाड़ रहे हैं आप लोग? बिगाड़ रहे हैं। हाँ खोल रहे। अच्छा खोल रहे हैं, इसका कहीं और उपयोग होगा। वाह कितना बढ़िया, इसको फिर से रख रहे हैं, कहीं और उपयोग होगा इसका। ये देखिए अंदर जा सकते हैं क्या? अंदर जा सकते हैं? तो ये देखिए अब यज्ञ मंडप उजड़ना भी चालू हो गया है, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, कल लग रहा था तो और अच्छा रहता। कल तो विशेष अतिथियों के लिए था। हाँ अब आज कहाँ मिल रहा है? ये सब क्या है, सबको दिखाइए। इतने अरे एकदम बढ़िया से अंदर खाली है, खाली है, लेकिन क्या हुआ था वो तो दिखाइए। देखिए दोस्तों सभी लोग, ऐसे नहीं, रुक रुक के ऐसे देखिए। ये जो है कितने सारे बर्तन हैं जिनका उपयोग हुआ था, ये बैठने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया। ये जैसे भवन हवन किया था, ये तो मैंने नहीं ऊपर वाला मैंने जो बना है हवन कुंड, कितना अच्छा ये ऊपर घरवा हो। हाँ ये कुछ का बना हुआ है और ये अभी सब लोग इनको उखाड़ रहे हैं, लेकिन इसका कहीं और उपयोग होगा। बहुत ही अद्भुत अच्छा लग रहा है हवन कुंड, अकेले नहीं मजा होता यार, सब लोग आएंगे देखने के लिए। ये देखिए घास नहीं जो उग चुकी, हाँ जो उग चुका है। हम लोग घर पे घर पे बैठाते हैं जब, तो जो लगाते हैं। आइए सभी का स्वागत है अयोध्या नगरी में। यहाँ कितने होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, दोनों करने हम लोग दोनों करने। ऐसा अद्भुत नजारा देख करके और दिखाया ना जाए तो अच्छी बात नहीं है। हमारे सर जी भी ब्लॉगर बन गए हैं दोस्तों, एक नया सदस्य आ रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं। अरे नहीं हम तो बहुत पहले से यूट्यूबर समझ लीजिए, लेकिन ये ऐसी चीजों को ना दिखाओ तो फिर यह अलग होगा। वो धाम में, हाँ वो भी हमारे राम जी के घर में, राम जी। कोशिश करते हैं दोस्तों अंदर जाने के लिए, देखते हैं कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे हाँ नहीं बहुत सारे, हाँ 21 से 51 हजार कुंड है। ये एक है, दूसरा वहाँ है, और सारे कई हैं। ये देखिए टेंट सिटी कितना बढ़िया लग रही है। यहाँ भी हम राम जी को दिखाएंगे, उनके सामने बहुत अच्छे हैं। पहले तो यज्ञ मंडप देख लीजिए आप लोग, ये कितना बढ़िया सजावट है इसका। अच्छा ये पिक्चर उच्चर शूटिंग होता है यही सब का है ना सर जी? हाँ देखने में लगा था कि यह हकीकत गजब बनाएंगे सब। वाह कारपेट बिछा हुआ है चारों तरफ से, तो दोस्तों यज्ञ मंडप के अंदर हम आ गए हैं। यह देखिए अभी भी यज्ञ का कार्यक्रम लगभग चालू ही है। देखिए पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यज्ञ भी कर रहे हैं। ये
लाइट ये सब दिखाइए। यार नेटवर्क नहीं चला है। हाँ मत चलाइए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। बंद कर दें। रिकॉर्ड करिए। तो दोस्तों ये सब यज्ञशाला अद्भुत है, अभी भी अग्नि है। गाना वाना गाते थे। मेरे श्री ये मेन है, ये देखिए ये मेन नहीं, ये मेन है यज्ञ कुंड का, ये देखिए। और यहाँ पे चंद्रकार की ये पक्का यज्ञ कुंड, ये देखिए यज्ञ की सामग्री अभी भी यहाँ इतना बचा हुआ है। ये यज्ञ हवन कुंड, हाँ ले लो ये देखिए ये मेन है यज्ञ कुंड, ये ना मेन है निकाला कहीं से निकाल लीजिए। तो ये है यहाँ सब मूछ, ये देखिए श्री राम सीता राम, ये देखिए क्या बात है, कितना अद्भुत। लाखों लोग इसमें जरूर उससे कम क्या, ये देखिए ये कितना बढ़िया है, ऊपर ध्वज लगे हुए हैं और ये क्या मस्त लग रहा है, मन झूम जा रहा है। कैसे बनाए हुए सब, महीनों दिन से बनाए हैं तो बनाए तो ठीक है, सब लकड़ी का तो कैसे अपना ऊपर चढ़ के बनाए। अरे भैया सब ऐसे ही पहले घर बनते थे। ये बल्ली लगी है ना, देखिए ये देखिए बेत की कुर्सी कितनी बढ़िया है। यहाँ कलश बैठ जाइए, ये देखिए कलश, हाँ सारे बर्तन हैं। वाह,